अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसनैन और आज देखते हैं आपका ही इंटरेस्टिंग सा चैनल हसनैन बट ऑफिशियल। तो गाइस आज है मंडे और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम जो है इधर घड़ी में मैं वैसे देख रहा हूँ मोबाइल पर, टाइम हो रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं। तो स्कूल से मैं वापस आ गई हूँ फिलहाल, अभी अभी फ्रेश होकर नमाज पढ़ ली है। उसके बाद आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ मेरा जो हावर बोर्ड पड़ा हुआ है। हावर बोर्ड आपको पता होगा, स्मार्ट 10 इलेक्ट्रिक व्हील मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका आपको मैं रिव्यू दूंगा अच्छे तरीके के साथ। बाकी जिस जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओ लाइट चली गई अभी गाइस, तो चले अब लाइट का वेट करते हैं। UPS लगा हुआ था, 1.5 घंटा हो गया, लाइट चली गई है। तो चले अब लाइट का वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम वीडियो शूट कर लेंगे। खैर अभी मैं बाहर आ गया हूँ, थोड़ी सी लाइट आ रही है, तो उसके बाद हम वीडियो शूट कर आपको उसका मैं रिव्यू दूंगा। बस अभी अभी कुछ लाइट आई है और उसके बाद मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। यार कूल चीज़ है, कूल आप भी लो, है थोड़ी एक्सपेंसिव लेकिन कूल चीज़ है। मेरे पीछे पड़ी अभी आपको इसकी सारी चीज़ें दिखाते हैं जो उसके साथ आई हैं। का कुछ डब्बा आ गया जो कि बहुत फटा त्रुटा पुराना है, तो मेरे पास कुछ पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले इसके पास स्मार्ट 10 बैलेंस व्हील लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर इसका ये बैटरी और यहाँ पर टायर्स आ रहे हैं और यहाँ पर इसका जहाँ पाँव रखते हैं वो आ रहा है। बाकी ये इस टाइप का कुछ व्हील है, आपको दिखाऊँ कुछ गंदा भी हुआ हुआ है, इसकी कोई बात नहीं, इसके टायरों में भी आवाज हवा कोई भी नहीं है। इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं और यहाँ पर LED लाइट्स आप लगा सकते हैं लेकिन लगी नहीं। तो ये डब्बा इधर से हम देख लें तो इधर भी वही जो ऊपर बना हुआ है वही बना हुआ है। साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या देख लें आप, ये कुछ लिखा हुआ इधर नज़र आ रहा होगा आपको, बाकी ये लिखा हुआ है। इस साइड से हम देख रहे हैं तो इधर भी वही सारा कुछ आ रहा है यहाँ पर, और अगर इसके डब्बे को हम यहाँ से देख रहे हैं उधर भी एक ही चीज़ सारी जगह लिखी है, यहाँ पर भी वही है और इस साइड से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही है। तो खैर इसके डब्बे को सबसे पहले खोलें तो इसका सबसे पहले जी बैग आ जाता है, ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत किस्म का बैग है इसका। इसके अंदर आप इसको डाल कर कहीं लेकर जा सकते हैं, इसको हम फेंक देते हैं साइड पर। इसके बाद जी आ जाता है इसका चार्जर, ये मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी पावर लीड है जो कि मैंने नीचे फेंक दी और ये इसका चार्जर है। इसके ऊपर जी मैंने उल्टा पकड़ा है, इसको ज़रा सीधा कर लें। इसके ऊपर AC DC अडाप्टर लिखा हुआ है और बाकी मेड इन चाइना का ये, और ये कुछ चाइनीज़ लिखी हुई है, और ये इस किस्म का कुछ इसका चार्जर है। इसका आगे से मैं आपको मुँह दिखा दूँ तो कुछ ऐसा है। बाकी अब चले जाएँ अपने मेन चीज़ के ऊपर, इसको पहले सबसे पहले नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्टिकर बना हुआ है, एक यहाँ पर स्टिकर बना हुआ है इधर मेड इन चाइना, तो उल्टा हुआ हुआ है। तो इसके बाद ये इसका जी ऑन करने वाला बटन है और ये इसकी पावर लीड है, बाकी हम इसको ऑन कर लें तो ऐसे कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है। ऊपर यहाँ पर इसका बैटरी वाला बटन आ रहा है यहाँ पर, बाकी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़ोर मारूँ ऐसे यहाँ पर, इसको मैं उठा कर नीचे रख लेता हूँ। अरे यार ये है कुछ 20-30 किलो का होगा, बहुत भारी है। बाकी ये कुछ ऐसा, इसके ऊपर मैं अगर ज़ोर मारूँ तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। बाकी इसके नीचे मैं इसको थोड़ा सा फेर लेता हूँ, ये इसके लाइट्स की जगह बनी हुई है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा LED लाइट्स लगा सकते हैं आराम से। बाकी यहाँ पर इसका मैं आपको दिखाऊं तो 12-inch बैलेंस स्कूटर लिखा हुआ है, मॉडल NIC। बाकी आप पढ़ लें, चार्जिंग टाइम ये 2 से 3 घंटे आराम से चल जाते हैं, मैक्सिमम किलोमीटर 20 किलोमीटर ये आराम से चल सकते हैं, मैक्सिमम लोड 100 kg आराम से उठा लेते हैं। नेट वेट इसका 10, हाँ मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 किलो का 11 किलो का, तो 11 किलो इसका वेट है। मैक्सिमम स्पीड 12 किलोमीटर पर हार और लोड 1, बाकी और ROHS कुछ लिखे है, बाकी ये इसकी सारी चीज़ें हैं। इस साइड पर हम अगर आ जाएँ तो यहाँ
proper warnings. Always wear a helmet and protective gear such as knee and elbow pads. बाकी आप सारा कुछ पढ़ लें, ये मैंने तो पढ़ी हुई है सारी। तो गाइस अभी ये इसको मैंने नीचे उतार लिया, ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, बाकी फुल ब्लैक है, देख सकते हैं आप इसकी शाइन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। बाकी बहुत प्यारी चीज़ है, अभी आपको बाइक का शोर भी आ रहा होगा, ये कोई बाइक का साइलेंसर फाड़ है पता नहीं कौन, तो खैर उसको छोड़े। यहाँ पर आपको LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, यहाँ पर लगी तो नहीं हुई है लेकिन आप लगा सकते हैं, बाकी इस साइड पर लगी हुई है, बहुत मज़े की है। इसको अगर हम ऑन कर लें, मैं इधर से ऑन करूँ तो देख लें आवाज़ भी आ रही है, बाकी इधर अगर मैं जोर डालूँ थोड़ा सा, ऐसे कर कर जोर तो नहीं अभी जा रहा क्योंकि मैं राइट हैंड से वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगर मैं जोर डालूँ तो देख लें। बाकी यहाँ पर चार्जिंग का बता रहा है, उसके बाद अगर हम इसको नीचे से देखना चाहें यहाँ से, ये देख रहे हैं 12-10 inch बैलेंस स्कूटर है, मॉडल इसका लिखा है, बैटरी टाइमिंग लिखी हुई है, बाकी लिथियम बैटरी है इसकी, चार्जिंग टाइम जो है 2 से 3 hours है और मैक्सिमम किलोमीटर 20 किलोमीटर ये आराम से चल सकते हैं, बाकी मैक्सिमम लोड 100 किलो का जो बंदा है ना वो भी इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, वैसे जिससे मैंने लिया था वो तो बोल रहा था 110 का भी खड़ा हो सकता है, बाकी मैक्सिमम स्पीड इसकी 12 किलोमीटर पर आवर है, लोड पता नहीं क्या और लिखा है, बाकी इसको आप चेक कर लें। एक स्टिकर ये है और इसके साथ अगर मैं आपका दूसरा दिखाऊँ, यहाँ पर इसकी सारी वार्निंग्स लिखी हुई हैं ऑलवेज, मतलब ये सारी आप चेक कर लें, लेने से पहले आपने ये देखनी ज़रूरी है। बाकी ये कुछ इस टाइप का हमारा व्हील आ जाता है ऐसे, फुटे के इसके ऊपर लिखा है, बाकी 3-4 बार चलाया तो थोड़ा गंदा हुआ है, इसके टायरों में फिलहाल हवा नहीं है, वो मैं पंप लाकर भर दूंगा, बाकी इधर से इसको अगर हम खोल दें ऐसे कर कर तो ये खुल जाता है, देख रहे हैं यहाँ से आप हवा भर सकते हैं, बाकी इसका इसको क्या बोलते हैं टायर और ये रिम, गाड़ियों वाला जो रिम होता है ना ये भी बीच में आपको समझ लें, बहुत मज़े का इसका डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिल जाता है, बाकी इसकी जो लुक आती है ना आप चेक करें, इसके ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ तो फिलहाल वीडियो बनाते बनाते मैं खड़ा हो गया हूँ, देख रहे हैं अभी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इसके अंदर देख रहे हैं इसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, आपको मैं दिखाऊँ चार्जिंग भी ख़त्म हो गई और इसके टायरों में हवा भी नहीं है कि मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊं, बाकी इसने टी टी करना शुरू हो गया, ये करना लग पड़ती है फिर उसके बाद बंद हो जाती है, तो ये जैसे ही करना शुरू हो आपने बस उसको बंद कर देना है और उसको चार्जिंग पर लगा देना है। बाकी अगर इसकी चार्जर की बात की जाए तो चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्जर भी मेड इन चाइना का ही है, बाकी जापनीज़ लिखी हुई है अच्छी क्वालिटी का, वो दूसरा चाइना नहीं है, AC DC अडाप्टर बाकी और कुछ यहाँ पर लिखा है, ये इसका चार्जर है और यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल आ जाती है, डब्बा इसका ये वाला ऊपर वाला है मैंने फेंक दिया था, बाकी डब्बा ऐसा ही है, डब्बे को फिलहाल फेंक देते हैं भाईजान अपने साइड पर, मैंने इसको फेंक दिया फिलहाल, ये इसका जी आ जाता है बैग जिसमें आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इसको भी मैं फेंक देता हूँ साइड पर, ठीक है। बाकी मेन चीज़ हमारी ये है जिसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो ये थी आज की वीडियो, इसका मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, ये ऊपर से आपको दिखा देता हूँ मैं, ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। बाकी जिस जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उससे रिक्वेस्ट है कि भाईजान चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आज के व्लॉग में यही था, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गया नहीं तो मैं आपको सारा कुछ और भी कुछ दिखा देता, उसको मैं चार्जिंग पर लगा दूँ साइड, जैसे ये कुछ ऐसा आ रहा है, और जिस जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उससे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट ऐसी व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।